हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मड़ा में भूताल दह। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे भूताल दह जो कि सिंगरौली जिला के मड़ा गांव में है। मड़ा बढ़न मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर में स्थित है। यहाँ का पूरा व्यू देखते हुए आगे चलेंगे और आपको भूताल दह को दिखाएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आपका स्वागत है इस वीडियो में। यह स्थान एकदम जंगलों के बीच में है जो कि बहुत ही सराहनीय है। तो हमें रास्ते में गणेश भगवान जी मिले हैं, उनका दर्शन करते हुए आगे डायरेक्ट भूताल दह के बारे दिखाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं भूताल दह का कुछ व्यू देखिए, किस प्रकार भूताल दह है, फिर आपको थोड़ा डिटेल दिया जाएगा। भूताल दह की गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यह दह जितना दिखने में छोटा है उतना ही बड़ा है, इसका अनुमान अभी तक किसने नहीं लगा पाया है। इस दह ने लिया कई लोगों की जान, यह बात सैकड़ों साल पुरानी है। जी हाँ, कहते हैं कि जो इस दह में गया वो कभी लौट के नहीं आया, इसीलिए इस दह का नाम भूताल दह पड़ा। तो आप यहाँ का सुनिए एक प्राकृतिक आवाज़ और आपको कुछ मंदिर भी दिखाएंगे, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। पहले आवाज़ सुनिए, फिर चलते हैं आगे। तो आप देखिए सन्नाटेदार जंगल में एक छोटा सा मंदिर जो कि शिव जी का है, तो आपको दिखाया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एकदम छोटा सा मंदिर है यहाँ पर, जिसमें शिव जी विराजमान हैं, यहाँ पर पुजारी जी हैं। जंगलों के मध्य एकदम छोटा सा मंदिर जो कि शंकर जी का है, आप देख सकते हैं इधर। तो इसी वीडियो में हनुमान मंदिर का दर्शन करते हैं जो मड़ा में है। आज यहाँ पर कुछ कार्यक्रम रखा गया है जिसके चलते यहाँ पर शोर शराबा हो रहा है और यहाँ पर लोग आए हुए हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ का पूरा व्यू देखिए और यहाँ का दर्शन कीजिए हनुमान जी से। तो ये देखिए हनुमान मंदिर जो एकदम पत्थरों से निर्मित प्राकृतिक रूप से बना हुआ मंदिर है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से प्राकृतिक रूप से बना है यह मंदिर, जिसमें हनुमान जी विराजमान है अंदर में। और इसी मंदिर में राम जी विराजमान हैं, ऐसा कहते हैं कि जहाँ हनुमान जी वहीं पर राम जी और जहाँ राम जी वहीं पर हनुमान जी, आपने तो सुना ही होगा। तो यहाँ पर कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।